हेलो, वेलकम बैक टू एपेक्स आर्किटेक्ट्स। मैं आपके लिए न्यू रेसिडेंशियल फ्लोर प्लान लेकर आया हूँ। इस प्लॉट का गाइस, जो हमारा फ्रंट रहेगा वो 30 फीट 2 इंच का रहेगा और जो इसकी डेथ रहेगी वो हमारी इसकी 28 फीट की रहेगी। अब गाइस, इस प्लॉट की आपको मैं रिक्वायरमेंट बताता हूँ। इसकी रिक्वायरमेंट हमारी क्या क्या रहेगी। 2 BHK इसके अंदर हमारे बेडरूम रहेंगे, फर्स्ट ये रहेगा और सेकंड इसमें हमारा ये रहेगा और एक इसमें हमारी लॉबी रहेगी, एक डाइनिंग रूम रहेगा, एक किचन रहेगा। ठीक है गाइज, अब गाइज मैं आपको इसकी प्लॉट की फुल डिटेल बताता हूँ, इसकी फुल डिटेल हमारी क्या क्या रहेगी। मेन एंट्रेंस जो रहेगा वो गाइज हमारा इसका लेफ्ट से रहेगा यहाँ से, और मेन एंट्रेंस से आगे हमारा स्टेयर का आता है। स्टेयर का जो हमारा जो अप स्टेयर रहेगी वो हमारी इसकी यहाँ से ये रहेगी और इसका साइज हमारा 3 फीट का रहेगा और ये हमारा ओपन स्पेस रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर हमारा यहाँ पर ये वॉल भी हम लगा सकते हैं और इसमें हम यहाँ डोर भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसका जो मेन एंट्रेंस है वो यहाँ से है और जो मेन एंट्री गेट रहेगा वो हमारा इसका यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा इसका लॉबी का जो साइज़ रहेगा वो हमारा इसका 17 फीट 8 इंच की लंबाई और चौड़ाई इसकी 10 फीट की रहेगी, और जो इसकी डाइनिंग टेबल रहेगी वो डाइनिंग टेबल हमारी इसकी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, और जो लॉबी से रची है हमारी किचन रहेगी, इसका डोर यहाँ से रहेगा गाइस, और किचन का जो साइज़ रहेगा वो 9 फीट 3 इंच की लंबाई और चौड़ाई 7 फीट 2 इंच की रहेगी। इसका जो वेंटिलेशन रहेगा वो रोड से यहाँ से ये रहेगा और इसमें जो स्लेब रहेगी वो हमारी इसकी एल साइप की स्लेब रहेगी और ये स्लेब हमारी 2 फीट की रहेगी, और जो इसमें सिंक वगैरह रहेगी वो हमारी इसकी गाइस यहाँ पर रहेगी। ठीक है, जो हमारा गाइज इसमें डाइनिंग रूम है, इसका जो डोर रहेगा वो लॉबी से रहेगा गाइज यहाँ से, और जो डाइनिंग रूम का साइज़ रहेगा वो 11 फीट की लंबाई और चौड़ाई भी इसकी 11 फीट की रहेगी, और एक सेकेंड डोर जो रहेगा वो हमारा इसका राइट कॉर्नर से रहेगा, इसका डोर यहाँ से एक बेडरूम का डोर यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जो इसका वेंटिलेशन रहेगा वो 2 जगह से वेंटिलेशन रहेगा, एक इस डोर से रहेगा, ठीक है, राइट से रहेगा, और एक इस मेन डोर से यहाँ से रहेगा। और जो हमारा इसका सोफ़ा सेट रहेगा वो सोफ़ा सेट गाइज इसका यहाँ पर ये रहेगा और टेबल गाइज इसकी यहाँ पर रहेगी और इस वाली वॉल पर हमारी LCD सेट हो जाएगा। ठीक है गाइज, और जो हमारा गाइज हमारा इसका बेडरूम रहेगा वो बेडरूम का डोर रहेगा वो डोर इसका यहाँ पर रहेगा और बेडरूम का जो साइज़ रहेगा वो 11 फीट की लंबाई और चौड़ाई इसकी 10 फीट की रहेगी। इसका जो वेंटिलेशन रहेगा वो इस ओपन से यहाँ से ये रहेगा और जो इसका बेड रहेगा वो बेड गाइज हमारा इसका यहाँ पर ये रहेगा। ठीक है, और इसका जो अटैच टॉयलेट रहेगी वो अटैच टॉयलेट का डोर गाइज हमारा इसका यहाँ से बेडरूम से रहेगा और इस टॉयलेट का जो साइज़ रहेगा 8 फीट की लंबाई और चौड़ाई इसकी 5 फीट की रहेगी और इसका जो वेंटिलेशन रहेगा वो साइड लेफ्ट वो राइट हैंड से इसका जो रोड रहेगा वो इसका वेंटिलेशन यहाँ से हो जाएगा। और इसके 2 पार्टीशन रहेंगे गाइज, एक इसका हमारा WC का रहेगा और सेकेंड इसका हमारा बाथरूम का रहेगा। ठीक है गाइज, इसके 2 पार्टीशन रहेंगे। ठीक है, और जो हमारा ये सेकंड बेडरूम रहेगा इसका डोर यहाँ से रहेगा और इस बेडरूम का जो साइज़ रहेगा वो 12 फीट 9 इंच की लंबाई और चौड़ाई इसकी 10 फीट की रहेगी और इसके अंदर जो हमारा बेड रहेगा वो बेड इसका गाइज यहाँ पर ये रहेगा और जो इसकी हमारी LCD सेट रहेगी वो LCD सेट इस वॉल पर रहेगी। और अगर LCD सेट नहीं आप यूज़ करना चाहते तो आप इसके अंदर 2 फीट की अलमीरा हमारी इसमें यूज़ हो जाएगी। ठीक है गाइज, और जो हमारा इसका वेंटिलेशन रहेगा वो वेंटिलेशन हमारे इस ओपन से यहाँ से ये रहेगा और इससे अटैच हमारी ये टॉयलेट रहेगी और अटैच टॉयलेट का डोर यहाँ से ये रहेगा। इस अटैच टॉयलेट का डोर जो साइज़ रहेगा वो 7 फीट 6 इंच की लंबाई और चौड़ाई इसकी 5 फीट की रहेगी। इसके भी 2 पार्टीशन रहेंगे गाइज, एक इसके अंदर हमारा WC रहेगा और सेकेंड इसमें हमारा बाथरूम रहेगा और इस टॉयलेट से ही हमारा डोर रहेगा वो इस ओपन से यहाँ से ये रहेगा और जो ओपन एरिया का साइज़ रहेगा वो 4 फीट 6 इंच की लंबाई और चौड़ाई इसकी 4 फीट 7 इंच की चौड़ाई रहेगी। इस टॉयलेट का भी वेंटिलेशन हमारा इस ओपन से ही रहेगा। ठीक है गाइज, गाइज मैंने आपको सभी इसकी डिटेल और रिक्वायरमेंट बता दी है। अगर गाइज आपका प्लॉट साइज सेम यही है तो आप इससे रेफरेंस ले सकते हैं। अगर गाइज आपका प्लॉट साइज डिफरेंस है और आपकी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंस है गाइज, तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारे से वहाँ से व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर गाइज एपेक्स आर्किटेक्ट्स।